78-year-old Gulabchand Kataria, currently leader of the opposition in the Rajasthan Assembly, senior BJP leader and always a chief ministerial contender. His exit will create a political vacuum in the state of Rajasthan, now headed for an assembly election in less than 9 months. आपको अभी तक मेरी एज जो है ना विधानसभा में तो दिखती नहीं होगी. बिल्कुल नहीं दिखती है सर. तो मैं मेरी कोशिश करता हूँ और पार्टी छोटी बड़ी जो जिम्मेदारी दे उसको ईमानदारी से निभाना मेरी आदत में है. एक बात है कि अब मेवाड़ और वागड़ के पॉलिटिक्स में आपका एक तरह से बोलबाला छाप रही है, तो एक वैक्यूम, एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा आपके एक तरह से एग्जिट से. देखो, एक बात जरूर है, किसी व्यक्ति के जाने से थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या है कि कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, नेता बेस्ड पार्टी नहीं है, जो एक ही व्यक्ति पे डिपेंड हो जाती है. और इसके कारण से उसकी जगह भरने वाले एक नहीं पांच मेरे जैसे बड़े कार्यकर्ता हैं, उनको मौका मिलेगा तो वो भी पब्लिक में अपने आप को खड़ा कर देंगे. But who are the others that the party will now seek to promote? All eyes are first on former Chief Minister Vasundhara Raje, who this time will go into the election without being the party's official face. BJP President Satish Punia and Deputy Leader of the Opposition Rajendra Rathore, several charismatic BJP MPs, it looks like the party is set for some serious power play. संसदीय बोर्ड ही तय करेगा कि राजस्थान के अंदर बीजेपी का नेता प्रतिपक्ष कौन रहेगा, लेकिन संसदीय बोर्ड भी प्रदेश के तमाम नेताओं से चर्चा करने के उपरांत ही सर्वसम्मति से निर्णय करेगा. हमेशा बदलाव एक सतत प्रक्रिया है, संगठन हित में और चुनाव नजदीक होते हुए जो भी आवश्यक होगा वो हमारा केंद्रीय नेतृत्व कदम उठाएगा. The Rajasthan Assembly will take a break from the 16th of February till the 27th. And when the Assembly reconvenes, who will be the new leader of the opposition will explain some of the changing power equations in the state. In Jaipur, Harsha Kumari Singh, NDTV.